أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا توسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना अरबी ग्रामर का ट्वेंटी नाइन्थ लेसन और कर रहे हैं हम इस की अकसाम अब आप लोगों के सिलेबस में ये इलेवन इस अस्मा है इसमें सिफत इसमें मुबालगा इसमें तफजील इसमें फाइल इसमें मफूल इसमें मस्तर और इसमें मर्रा यहां तक आप लोग पिछली क्लासेस में कर चुके और आज ताला हम लोग ये चार आसमा करेंगे इसमें आला सबसे पहले देखते हैं इसमें आला इसमें आला कोई भी चीज जिसकी जरिए कोई काम करे वो इसम जो किसी आले का नाम जाहिर करे उसे कहते हैं इसमें आला कुरान में चंद आए हैं और वो आप देखेंगे यहाँ पे आगे वो इसम जिससे ये मालूम हो कि फेल किस चीज के जरिए से वाक हुआ है मतलब किस चीज को इस्तेमाल करके कोई काम हुआ है जैसे दरवाजा खोला गया तो उसके लिए चाबी का इस्तेमाल हुआ की का इस्तेमाल हुआ तो मिफताहुन चिराह जो रोशनी दे रहा है रोशनी हुई तो रोशनी देने वाली चीज क्या इस्तेमाल हुई मिसबाह चिराफ मिकयालुन पैमाना किसी चीज को नापा जा रहा है मेजर किया जा रहा है तो उसके लिए जो चीज इस्तेमाल हुई कोई कंटेनर इस्तेमाल हुआ वो कहा गया मिकयालुन और मीजानुन तो आपको पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या इस्तेमाल है आप देख रहे हैं कि ये इन सारे आ, अस्मा का एक ही वजन है और वो है मिफालुन। तो कुरान में ज्यादातर इसमें आला जो है वो इसी वजन पर है देखिये यहाँ पे ये नहीं लिखा गया इसका सिर्फ यही वजन है इसका अहम वजन ये है मेन वजन ये है इसमें आला का मेन वजन ये है हो सकता है कुछ इसमें आला ऐसे भी आ जाए जो इस वजन पर ना आए हमने किसी भी चीज के वजन के लिए बत, वजन का वर्ड मैं बार बार इस्तेमाल करती हूँ कि आपको ये पता चले कि आय लाम की जगह आप अपने नए लफ्स का रूट लेटर लगाएंगे और उसके अलावा जो भी हरूफ जहां पर है वो वही रहेंगे और हरकत भी वही रहेंगी इस तरह वजन मालूम किया जाता है और उस वजन में डाल के नए नए अल्फाज बनते हैं जैसे इसको मैं यहाँ पे दिखा दून का कि यहाँ पे देखिए क्या है के नीचे जेर है पहले और फिर यह है फा कलमा और फा कलमा पे हरकत क्या है सुकून उसके बाद है आन कलमा और इसके ऊपर क्या है फथा है उसके बाद अलिफ एक एक्स्ट्रा हर्फ है और लाम कलमे के ऊपर ये कमीन है तो आपका वजन क्या बना वजन बना अब देखिए यही यहां पे आप डालें फा तो ये बन गया और त और हा तो बन गया मिफ्ताहुन यहाँ पे स्वाद डाले स्वाद बाहा इसका रूट लेटर है तो यहाँ स्वाद डाले यहाँ बा डाले और हा डाले मिस बाहुन तो वजन आपका ये बना ठीक है हम बार बार ये बता रहे हैं क्योंकि अब जो है ज्यादातर बात जो है वजन पे ही आएगी तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि बस फाइन लाम कलमे की जगह आप नए लफ्ज का रूट लेटर डालें और एक्स्ट्रा हरूफ और हरकत वही इस्तेमाल करें आपके उसी वजन पे नए नए लफ्ज बन जाएंगे इन दोनों को आप खुद चेक कर लीजिएगा तो इस तरह हो गया इसमें आला ये छोटा सा टॉपिक है उम्मीद है कि आपको आपने अभी याद कर लिया होगा बस आले का नाम और मिफ अहम वजन इसका क्या है मिफ बस ये दो पॉइंट ये दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप आ, काफी हो गए फिर नेक्स्ट है इसमें जर्फर्फ का मतलब क्या होता है लोहवी माना होता है बर्तन अगर हम आपसे कहें बर्तन तो क्या बात आपके समझ में जैसे हमने कहा बर्तन चीज को रखने की जगह का आता है ना दिमाग में ख्याल इस तो इसका लघवी माना है बर्तन और इस्तलाही माना क्या है कि उस इसम को कहते हैं जो किसी खबर या फेल के वाक मतलब कोई खबर कोई हमें खबर मिली तो हम जानना चाहेंगे कि वो कहाँ हो रही है या किस वक्त हो रही है किस जगह हो रही है किस वक्त हो रही है या हमें किसी ने बताया कि कोई काम हो रहा है आजकल क्रिकेट का मैच हो रहा है तो हम जानना चाहेंगे कि किस शहर में हो रहा है है ना और किस वक्त हो रहा है तो इसी को कहते हैं इसमें जर्फ कि किसी खबर या काम के वाक होने की वक्त या जगह ये दो वर्ड जो है आपके वो इसमें जर्फ के जो भी रेड से हमने ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये बस आपको बताने के लिए कि बर्तन क्या होता है किसी चीज को रखने की जगह होती है ना तो इस वजह से इसका यहाँ पे इसमें जर्फ वहीं से लिया गया तो वक्त या जगह ये है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट और ये डेफिनेशन आपके समझने के लिए और छोटे से वो इसम जो वक्त या जमाना जाहिर करे उसको क्या कहते हैं इसमें जर्फ अगर आप इतना भी लिख देंगे इसमें जर्फ की डेफिनेशन में तो वो काफी होगा लेकिन अगर इतना लिखे कि वो जो किसी वक्त या जमाना तो समझने के लिए ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है कि इसमें उस इसम को कहते हैं जो किसी खबर या फेल के वाक होने के वक्त या जगह को जाहिर करे अब आप देख रहे हैं कि चूंकि दो चीजें हैं वक्त या जगह तो इसी की वजह से दो तरह के इसमें जर्फ भी हैं और कहती रहती हैं ये जरफ जमा है ये जरफ़ मका है इन ताला आज के बाद जब कहेंगी तो आपकी समझ में आएगा इसमें जरफ़ की मजीद दो अकसाम जैसा कि आपने देखा कि दो तरह की चीजें हैं वक्त या जगह तो इसी के ऊपर दो तरह के ये जरफ़ भी हैं जरफ जमा जमाने से आप समझने जरफ़ जमा ये वक्त को बताने वाला इसम ये कहलाएगा जरफ जमा और जगह को बताने वाला इसम जरफ मका कहलाएगा ये भी कोई ऐसी बस आपको अगर ये नाम याद है या सिर्फ ये दो वर्ड याद है आप इसी से बना सकती हैं वक्त से ज़र्फ़े जमा और जगह से वक्त मका ज़मा जो वक्त यानी जमाने को जाहिर करे आ, समझने के लिए आप ऐसे करेंगे कि जो किसी खबर या फेल के वाक होने के वक्त को जाहिर करे वो जमा कहलाएगा अम्स सना शहर महीना दिन रात पहले बाद में मशरकुन मग़रबन ये देखिए मशरक ये मशरक जब हम कहते हैं तो इसका माना क्या आप देखेंगे कि ये हमने दोनों जगह लिखा हुआ है तो अभी बता दें कि, कि किसी जगह पे वो वक्त को जाहिर करेगा सूरज के निकलने का वक्त मगरबरूब होने का वक्त तो वो आयत के हिसाब से पता चल जाएगा कि मशरकुन वो जरफ़ जमा है या जरफ़ मक्का है मशरक का मतलब दोनों होता है सूरज निकलने का वक्त भी सुबह के वक्त को भी मशरकून कहेंगे और उसके निकलने की जगह को भी मशरकुन कहेंगे इसी तरह सूरज गुरूब होने के वक्त को भी मगरिब कहा जाता है और सूरज गुरूब होने की जगह को भी मगरिब नहीं कहा जाता है वो आपको सेंटेंस के कॉन्टेक्ट से पता चल जाएगा जरफे मका वो इसम जो जगह को जाहिर करे मतलब किसी फेल या खबर के होने की जगह को जाहिर करे उसे जरफ़ मका कहते हैं और इसके दो औजान हैं म और और सिर्फ़ फिल कलमा की हरकत फर्क है बाकी सब सेम है तो वजन लिखते वक्त हरकत बहुत ख्याल से आपको लिखनी है म और देखिए इसी के उस पर है मस्जिद सजदा करने की जगह मंजिल कुरान सात मंजिलों में डिवाइड किया गया है आप उस जगह पहुंचे तो आपकी एक मंजिल कंप्लीट हो गई बैठने की जगह ड्राइंग रूम को कहते हैं मजलिसन बैठने की जगह मशरिकुन सूरज निकलने की जगह मगरिबुन सूरज गुरूब होने की जगह जैसा कि मैंने बताया कि ये मफ़िलुन के वजन पर है तो जरफ़ मका भी है लेकिन ये जरफ़ जमा भी है फिर मफअल और देखिए इस मफालून के वदन वजन पर है मरकदुन मخرجुन मस्कनुन मशअरुण और ये ज़र्फे मका जो कि इतने इन औزان पे तो नहीं है लेकिन नहीं। ये फिर भी ज़र्फे मका है जैसा कि हमने कहा कि औزان जो है हमें आसानी के लिए दे दी है पे फिर होंगे तो हम देख लेंगे कि ये ज़र्फे मका है ये चंद इसमें क्या है जरफे मका है जो कि औजान पे तो नहीं है लेकिन ये क्या है ये भी जरफे मका है फोका ऊपर तख्ता नीचे अमामा सामने बैना दरमियान इंदा पास अब चलते हैं नाइन्थ इसम की तरफ इसमें तमयीज इसमें तमय वो इसम जो किसी दूसरे इसम मकदार मतलब अमाउंट वजन मतलब वेट फासला डिस्टेंस तादाद गिनती या नौयत यानी कैफियत बताकर इबहाम दूर कर दे कंफ्यूजन दूर कर दे मतलब अभी आप जब एग्जांपल देखेंगे जैसे जब बात सेंटेंस कहा जा रहा होगा तो अगर इस इसम के बाद ही अगर बात रुक जाए हम वहां पे आगे ना बताएं आपको तो आप सोचेंगे कि क्या चीज क्या बात जब तक कि उसके आगे वो इस ना आ जाए जो इन चीजों को बता रहा होगा जैसे हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से रब्बी जिदनी अल्लाह ताला ज्यादा कर दे मुझे किस चीज में वजन में कि पता चला हम मोटे हो गए तो आगे उसका इबहम दूर किया जा रहा है गिल्म में। ए मेरे रब जिदनी ज्यादा कर दे मुझे इल्म तो ये इल्मन क्या है ये इसमें तमीज है आप इसमें तमीज के लिए यही एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा इल्मा आप एग्जाम्पल भी याद करेंगे और आपकी साथ में दुआ भी होगी इसमें तमीज मंसूब होता है आपने क्या पढ़ा अभी इल्मन पढ़ा है ना इल्मन क्या है यह है मंसूब नसब की हालत तो इसमें तमीज क्या होता है मंसूब होता है अब किसी इसम के मंसूब होने की एक वजह आपको यह भी पता चली कि अगर वो इसमें तमीज होगा तो वो मंसूब होगा नसब की हालत में होगा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि कुरान से ही देखें अब यहां से हम तर्जुमा करते हैं आपको फन फजरत तो फूट पड़े मिन हु उससे इस नशरा बारह अब अगर यहां पे कह के हम रुक जाएं आगे ना बोले अब आपको है ना कंफ्यूजन इबहम क्या बारह कौन सी चीज बारह तो आई नन चश्मे बारह चश्मे फूट पड़े तो ये आई नन ने क्या किया अगर इसके बाद अगर रुक गए थे जैसे ही ये बोला तो आपका कच्चा बारह चश्मे फूट पड़े तो ये आई नन नसब की हालत में आपको नजर आ रहा है और ये क्या है इसमें तमीज इसी तरह यहां पे देखे इस सूर्य कहफ की आयत है अना मैं अक्सर ज्यादा हूं मिन का अब अगर यहीं पे बात रुक जाए आगे आपको ये नजर ना आए और ये मैं ज्यादा हूं तुझसे तो किस चीज में किस बात में ज्यादा हूं तो आगे मालन इसने क्लियर कर दी बात को और देखिये आप ये नसब की हालत में है ये इसमें तमीज हुआ और यहां वही आयत जो मैंने आपको पहले बताई जो आपको इसके एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा रब भी ऐ मेरे रब जिद नी ज्यादा कर दे मुझे किस चीज में ज्यादा कर दे इल्म में नसब की हालत में है ये और ये इस फ्रेज के इबाम को दूर कर रहा है इस फ्रेज की कंफ्यूजन को ये क्लियर कर रहा है ये लफ्ज कि किस चीज में ज्यादा कर दे इल में तो ये हो गया इसमें तमीज अब आखिरी इसम देखते हैं इसमें हाल वो इस्म जो अपने से पहले आने वाले इस्म की हालत या कैफियत बयान कर दे ये नून नहीं है ये बाहर ये मेरी मिस्टेक है बयान करे वो इसम जो अपने से पहले आने वाले इसम की हालत या कैफियत बयान करे ये तो नाम से ही पता चल रहा है हाल ना कि जो अपने पहले आने वाले इस्म का हाल बयान कर दे इसमें हाल नकिरा और मंसूब होता है ये भी क्या होगा नकिरा होगा और नसब की हालत में ही होगा जिस इसम का हाल बयान किया जाता है उसे जुल हाल कहते हैं जुल हाल मतलब हाल वाला ऐसा ये इसम है जिसके पास एक हालत भी है एक कैफियत भी है और वो आगे बताई जा रही है पहले हाल आया, वो इस्म आया जिसका की आगे हाल बताया जा रहा है और उसके बाद क्या आएगा इसमें हाल आएगा जुल हाल उमूमन मारफा यानी लामे तारीफ के साथ होता है जिस इसम का हाल अभी एग्जाम्पल आएगा तो एकदम क्लियर होंगी ये चीजें जिस इसम का हाल बताया जाएगा वो जुलहाल कहा जाता है और वो लाम तारीफ के साथ उमूमन आता है उमूमन वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि अगर वो नाम हो गया तो तो वो नहीं अगर इसमें मारफा नाम आ, आ गया तब तो नहीं आएगा वो उसके साथ और हम इस दोनों ही तरह का लेके आए हैं एक नाम के साथ भी एग्जाम्पल लाए हैं लेकिन उमूमन क्या होगा वो लामे तारीफ के साथ होगा और इसमें हाल उमूम क्या होगा नकिरा होगा यानी तनमीन के साथ होगा और ये मनसूब भी होगा तीन चार बार चीजें पढ़ने में याद हो जाती हैं फिर आप देखें कि जब भी ऐसा हो ना तो मैं तो एक ही वो लेके चलती हूँ जहां मुझे कोई चीज मुश्किल लगती है तो हम ये सोच लेते हैं कि जब कोई भी कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ बस फर्क ये है कि मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है जैसा कि मैंने बताया कि अरबिक सीखने में मैंने अपने दो वो रख रखे हैं सामने एक मुझे नुमान अली खान का बहुत अच्छा और फिर उस का तो हालांकि इनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये भी इंसान है और मैं भी इंसान हूं अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं और शायद कि इन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत की है इसलिए ये यहाँ पे है अगर मैं भी उनसे ज्यादा मेहनत कर लूँ तो लगता तो 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 है कि मैं उनसे आगे निकल जाऊं लेकिन हमारी मेहनत में कमी है इस वजह से हम यहां खड़े हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें हाल का जैसा कि मैंने बताया इसमें हाल याद रखें कि ये दो इसम का मजमुआ हुआ मैं लिख दू यहां पे। तो आपके पास रिकॉर्डिंग रहती है ना पीडीएफ में तो नहीं आएगा एक हो जाएगा जुलहाल और दूसरा हो जाएगा इसमे हाल ये है ज्यादातर अल के साथ यानी मारफा होगा अगर अल नहीं है तो ये क्या होगा मारफा होगा बहुत सी चीजें नाम की वजह से भी मारफा होती है ना लेकिन अल तो एक कंडीशन है बस और ये होगा नकिरा यानी तनवीन के साथ आएगा और अब तो आप माशाल्लाह काफी ग्रामर जानते हैं आपको पता है बहुत सारी हालत में तनवीन नहीं भी आती तस्निया में तनवीन गायब हो जाती है ना जमा में तस्वीन गा... तनवीन गायब हो जाती बहरहाल तनवीन के साथ होगा और ये नसब की हालत में होगा सबकी हालत में होगा ये दो पॉइंट हमें इसके याद करने हैं ये जो सारी इतनी सारी बात देख रही है वो बस इस तरह से हो गई आप भी इस तरह से अपने की पॉइंट्स में नोट बना लिया करें इसको पढ़ लिया करें तीन चार बार जिससे सेंटेंसेस भी की फॉर्मेशन हो जिससे पेपर आपका कम वक्त में वक्त के अंदर हो जाए अगर आप चीजों को याद कर लेंगी ना तो टाइम तो क्या टाइम से पहले पेपर हो जाएगा आपका वो होता क्या है कि हम कुछ चीजें आती रहती हैं हम फ्रेम करते रहते हैं सेंटेंसेस और उसको वर्ड्स को एडजस्ट करते रहते हैं और सोचते रहते हैं उसमें हमारा वक्त लग जाता है तो फिर वक्त पे खत्म नहीं हो पाता और अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप ये देखें कि वलम और जब रजा लौटा मूसा मूसा सलाम लौटे यानी I mean, इला कौमी ही अपनी कौम की तरफ गर्दबाना गुस्से में अफसोस करते हुए ये देखिए यहाँ पे दो आपके पास दो वर्ड आए हैं और ये दोनों बता रहे हैं मूसा सलाम लौटे है ना फेल तो ये हो गया और ये बता रहा है उनका हाल कि किस हाल में लौटे वो तो यहाँ पे देखिए मूसा सलाम क्या है मारफा है ना तो ये चूंकि नाम है तो यहाँ तो आप फिर लामे तारीफ नहीं ढूंढेंगी ना अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि मारफा यानी लामे तारीफ के साथ आता है तो आप कहेंगे यहां तो लामे तारीफ गायब है ये तो नाम की वजह से इसमें अलम है इसलिए ये खुद ही मारफा है इसे लाम तारीफ की जरूरत नहीं तो ये है हमारा जुल्हाल और ये है इसमें हाल यहाँ पे दो इसमें हाल है गजबाना गुस्से में आगे तर्जुमा यहाँ पे नहीं आ पाया है स्क्रीन पे तो नहीं नजर आ रहा है गजबाना अच्छा देखिए गजबाना से हमने तर्जुमा किया गुस्से से नहीं गलत तर्जुमा है ये गुस्से से भरे हुए जैसा कि मैंने कहा फालानु के वजन पे जो अल्फाज आते हैं वो कैसे होते हैं उसमें बहुत भरा हुआ का मीनिंग आता है तो गुस्से से भरे हुए बहुत ज्यादा गुस्से में ये फालान के वजन पर है तो मुबालगही के उसमें तो ये इसका तर्जुमा जब होगा हम यहाँ पे दिख नहीं रहा है अल्लाह से उम्मीद है कि ही लिखा होगा गजबाना गुस्से से भरे हुए असिफन अस्फो, अफसोस करते हुए तो आप देखें ये दोनों किस हाल में है किस हाल में है इसकी तनवीन क्यों गायब हो गई क्योंकि ये गैर मुंसरफ इसके इसमें देखिए दो तीन बातें तो गैर तोैर मुंसरफ इसमें इसलिए सिंगल हरकत से नजर आ रहा है आपको और फिर ये इसमें मुबालगा के वजन पे है फालनू उसका भी वजन है तो इसलिए गुस्से से भरा हुआ का तर्जुमा किया गया और ये असिफन देखें ये है तो आपको तनवीन और फा तनवीन है तो ये अलिफ के साथ भी आ गई तो ये है आपका मंसूब इसमे हाल और नकिरा की हालत में दोनों ठीक है ये नकिरा की हालत में है ये आप लोग को समझ में आ रहा है ना इसकी नकिरा कैसे पहचानेंगे क्योंकि इसकी तो तनवीन से पहचान ली इसकी कैसे पहचानेंगे क्योंकि शुरू में इसके अल नहीं लगा हुआ है बिना अल के जो गैर का जो होता है नखरा और मारफा का पहचाना अगर अल लगा है तब वो मारफा हुआ अगर अल के बगैर है तो वो नकिरा है तो ये आपका नकिरा और मंसूब है और ये भी नकिरा और नसब की हालत में है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा था कि मुझे अच्छा खासा बताना है शायद ना हो पाए लेकिन अल्लाह का ही जो अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे देता है कि वक्त पे हमारी क्लास खत्म हो गई अगर आप कहें तो मैं शुरू से एक अगले बीस में वन टू इलेवन एक पूरा क्विक रिविजन दे दू और अगर कहें तो मैं इसी को दोबारा पढ़ा दू इसी पी को एक्सप्लेन कर दू जाजिया चले जाजिया से पूछते हैं उन्हें क्या समझ में नहीं आए जी असल नहीं मुझे बस वो जो जमा जर्फ जो है ना वो मुझे जरा थोड़ा सा वो लग रहा था चलिए ठीक इसमें जर्फ को फिर देख लेते हैं जी ठीक है ये स्लाइड पहले ये स्लाइड आपकी पीडीएफ जब आपके पास पहुंचेगी तो ये सही होके सारी चीजें पहुंचेंगी ये ये पहुंचे। पहुंचे हमारी इसमें जर्फ जैसा कि कहा कि जर्फ का लुघ माना है बर्तन जब हमने बर्तन कहा तो आपके दिमाग में क्या चीज आई किसी चीज के रखने की जगह दिमाग में आई ना जर्फ का लुभवी माना है बर्तन जिससे कि मेरे दिमाग में फौरन ही आ गया जगह है ना लेकिन सिर्फ जगह नहीं है माने में दो वर्ड हैं वक्त और जगह दो चीज है इसमें जर्फ वो इसम जो वक्त या जमाना जाहिर करे इसमें जर्फ उस इसम को कहते हैं जो किसी खबर जैसे मैंने आपको खबर दी मैंने अभी क्लास में बताया कि आजकल क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है यह खबर दी मैंने तो आप मुझसे पूछेंगी कि किस जगह हो रहा है मैं कहूंगी इंडिया में हो रहा है फिर आप कहेंगे कि मुझे देखना है ये किस वक्त हो रहा है तो बहरहाल फिर तो आपको अपने मुल्क का वक्त देखना होगा तो आप ये दो चीजें ख... आपको मालूम करनी पड़ी ना उस खबर के सिलसिले में कि वक्त क्या है उसका और जगह क्या है इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैंने ये काम किया मैंने ये पीडीएफ बनाया तो आप पूछेंगे आपने कब बनाया आप जानना चाह रही हैं कि ए, किस वक्त आपने बनाया तो इस वो वर्ड जो कि आपके इन सवालों का जवाब देगा अब उसके उसमें जवाब होगा ना जो जवाब आएगा वो किसी इसमें आएगा ना मैं कहूंगी मैंने आज सुबह ही बनाया या आज सुबह बनाया तो ये आज सुबह जो है ये वक्त आपको पता चला तो ये उस सवाल का आंसर है तो यही इसमें जर्फ कहलाएगा जो आपके इस सवाल का जवाब में जो इस्म आएगा किस वक्त किस जगह इन दो सवाल के जवाब में कोई इस्म आएगा जो इस्म आएगा वही कहलाएगा इसमें जर्फ तो बस अब आप ये याद करें मैं आपको थर्टी सेकेंड देती हूं आप लोगों को वो इसम जो वक्त या जमाना जाहिर करे वो इसमें जर्फ कहलाता है ये रेड वर्ड ही याद कर लें बस ये दो वर्ड याद करने में कितना टाइम लगेगा वक्त या जगह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को याद हो गया अब जैसा कि दो वर्ड थे तो उन्ही दो वर्ड से ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ जर्फ की दो किस्म तैयार हुई जो वक्त बताएगा उसे जरफ जमा कहते हैं और जो जगह बताएगा उसे जरफ मका कहते हैं मकान किसको कहते हैं जगह को कहते हैं और जमाना किसको कहते हैं वक्त को कहते हैं तो जो वक्त बताएगा वो जरफ़ जमा है और जो जगह बताएगा वो इस्म मका आप अपनी किताब में देखेंगी लेकिन देखिए वो वर्ड हैवी हो गया ना सिर्फ जरफ जमा और जरफ़ मका ही कहते हैं क्योंकि जर्फ इसम को ही कहते हैं तो यहाँ पे इसम फिर लिखने की यहाँ पे देखिए यहां तो मैंने लिखा है इसमें जर्फ लेकिन यहां जरूरत नहीं है और आप उस्ताजा को भी देखेंगी वो यही कहेंगी जरफ़ जमा तो ज़रफ़े ज़मा जो वक्त यानी जमाने को जाहिर जो से मेरा मतलब मैं कम से कम असल में ऐसा नहीं है कि मैं यहां लिखना नहीं चाह रही थी मैं कम से कम वर्ड जिससे आपको पढ़ना भी कम पड़े और आपका वक्त भी कम लगे कि वो इस्म जो वक्त यानी जमाने को जाहिर करे यहाँ पे वो इस्म होना चाहिए था आ, कभी आपको पढ़ के हो सकता है लगे कि ये चीज यहाँ मिसिंग है वो जान के मैं मिस करती हूं तो जो वक्त यानी जमाने को जाहिर करेगा इस जमा कहलाएगा और ये सारे लफ्ज आपको कुरान के ही लेके हम आए हैं कि और हमें लगता है ये टेक्स्ट बुक में है तो टेक्स्ट बुक का हम इसलिए ज्यादातर टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स तो मैं जरूर इंक्लूड कर लेती हूँ आपके उसमें कि अगर आपके पेपर में आएंगी कुछ एग्जाम्पल पहचानने की और ये करने की तो उसी से आएंगी तो अम्स सना शहर मशरिकुन मग़रिबुन अब आप सोच रहे हैं इतनी सारी क्या ये मैं सारी इतनी सारी याद करूं नहीं याद करने की जरूरत नहीं है आप इसको बस पढ़ लें और उसकी मीनिंग देख लेंगी तो आपको पता चल जाएगा ना कि वो क्या किस चीज में आ रही है लैल ये क्या है रात का क्या है ये लैल किसको कहते हैं वक्त है ना एक पहले बाद फिर इसी तरह जरफ़ मका वो इस जो मका से समझ लें जगह को जाहिर करे फिर जरफ मका के हमने यहाँ पे शायद हो सकता है कि आपको लग गया हो कि अब ये चीज मुश्किल हो रही मुश्किल नहीं हो रही आसान हो रही है आपको हमने दो वजन दे दिए कि इन वजन पे आने वाले अक्सर अल्फाज होंगे जरफ़ मका और फिर तर्जुमा भी आपको हेल्प करेगा अगर आपको तर्जुमा आ रहा है तो तर्जुमा फिर आप उसको चेक कर लें ट्रांसलेशन करके चेक कर लें निकलने की जगह ये एयरपोर्ट वगैरह पे भी अक्सर लिखा दिख जाता है मस्जिद तो हमारे लिए बहुत ही मतलब कि आराम का वर्ड है बहुत आसान वर्ड है तो मफिल के वजन पर आने वाले अक्सर अल्फाजरफे मका होते हैं तो अगर आपने जैसी मस्जिदुन पढ़ा तो आपके आपको वो उस वजन का पता चल जाता है और फिर आप उसकी मीनिंग देख लेंगे मस्जिद उन हाँ ये एक जगह का नाम है मतलब एक सजदा करने की जगह इसीलिए उसे मस्जिद कहा गया मंजिल नाजिल होने की जगह उतरने की जगह पहुंचने की जगह तो मंजिल मजलिस बैठने की जगह इस तरह से ये आपके हो गए मफअिल पे और इसी में आन कलमा की हरकत जेर से जबर हुई तो भी जरफ़ मका ही रहा और वो बना मफ आल वजन पे ये अल्फाज भी जरफ मका है और ये कुछ एक्स्ट्रा अल्फाज हैं जो इन दोनों वजन पे तो नहीं आते लेकिन वो जरफे मकाही ही है वो है फोका तहता अमामा बीना और आंदा ज़ाजिया अब फिर से हैंड रेज कर दें अगर आपको अपनी इस, अब नहीं समझ में आया तो और कोई एक और अब अब समझ में आ गया अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मैं, मैं असल में मुझे समझ तो आ गई है लेकिन ये हो रहा रहा था कि जो भी आपने था और ये सारे मुझे ऐसे लग रहा है मेरे रहे हैं मुझे सही समझ समझ तो आ गई है लेकिन हैं सारे क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारी होमवर्क था ना उसमें भी मुझे वो जो अलग करने थे वो सारे मुझे बड़े बड़ी मुश्किल से मैंने वो हल किया था काफी टाइम लग गया था मुझे वो भूल जाते हैं कंफ्यूजन हो रही थी सारी कोई बात नहीं चीजें बहुत तो आ, जब आ, आप ऐसा है ना आप अच्छी तरह तैयारी कर लेंगी अपनी पेपर की और जब पहली बार हम एक बार में सुनते हैं तो कंफ्यूजन होना नॉर्मल बात है जब आपने एक पहली बार सुनी है चीजें ना सारी तो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो दैट इज नॉर्मल कुछ भी ऐसा परेशान होने की बात नहीं है जब आप दो तीन बार पढ़ेंगी और अलग अलग वक्त में उसको देखेंगी आप ऐसा करें कि तीन एक वक्त में पढ़ें और उसको बहुत क्लियर कर लें एक साथ सारे ना पढ़ने बैठ जाएं ग्यारह उन तीन को पढ़ें और अब जब अपनी आप लोग पेयरिंग करते हैं उस वक्त अपनी फ्रेंड को बता भी दें किसी को बताने से भी हमें चीजें क्लियर होती हैं तो आप उनके साथ उसको कहें कि आपके पास अगर दो मिनट है तो हमने आज ये किया है मैं आपको बताऊं आप उनको बताएं तो उनकी दुआएं लगेंगी और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी इनशाला और ये कोई जो आपकी जो फीलिंग है आई अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ आपके पास रिकॉर्डिंग I mean, तो आप, क्योंकि मैं किसी और से कराती थी वो रिकॉर्डिंग एडिट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे लगा कि मुझे खुद ही सीखनी चाहिए तो अब आपको सेम डे इनशा तला मिल जाया करेगी क्योंकि मैं अब खुद करती हूं तो, तो इनशाला उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है आपके पास रिकॉर्डिंग रहती है आप अपने घर के काम करते करते रिकॉर्डिंग सुन लिया करें ऐसे किसी वक्त तो रिकॉर्डिंग जरूर आपको एक बार अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं है कंफ्यूजन है तो जरूर आपको पीडीएफ खोल के टेबल पे बैठ के रिकॉर्डिंग सुननी है सिर्फ इसीलिए वरना मुझे भी रिकॉर्डिंग करना क्लास की उतना ना अच्छा लगता है और ना आसान लगता है लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए जी मैम जी तो एक बार तो आप जरूर रिकॉर्डिंग को अपनी नोटबुक लेके और वो करके स्टॉप करके लिखें और पीछे करें उसको अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है आप फिर पीछे ले जाए दोबारा सुन लें इतना सब करने पे भी समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझे मैसेज भी करें तो मैं उसमें फिर ऑडियो में आपको क्लियर कर दूंगी इनशाला लेकिन ये जो दो तो तीन पॉइंट हमने बताए है कि जब आप लोग अपने सबक सुनाती हैं आप एक चीज सिर्फ इसमें जर्फ तैयार करें और जब अपनी काम उनको बस कहें मैं, मैंने आज ये सीखा है मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी बताऊं इससे देखेंगे कि ताला आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप मिक्सअप हो रही हैं मैं पेपर ऐसा नहीं दूंगी कि जिसमें आप मिक्सअप हो मैं एक ही चीज पूछूंगी मैं सारी चीजें थोड़ी पूछ लूंगी वो होमवर्क तो मैंने इसलिए दिया था कि चले आप होमवर्क मैं देती हूँ तो बेहतर है कि आप तैयारी करके और उसको एज अ टेस्ट कर लिया करें अपना जिससे आपको खुद अपना पता चल जाए और नहीं सम, जब कंफ्यूजन हुई तो फिर आप नोटबुक खोल लें ओपन बुक भी है क्लोज बुक भी है फर्स्ट यू ट्राई टू डू मतलब पहले आप कोशिश करें कि उसको एज अ क्लोज बुक करें मतलब बिना अपनी नोटबुक खोले हुए करें लेकिन उसके बाद आप दोबारा जब नहीं आता तो खोल के देख के कर ले कोई परेशानी की बात नहीं है आप अपनी नोटबुक खोलें मेरा पीडीएफ खोलें और यहां से देख लें ये एग्जाम्पल कहाँ आया तो वहां पे आप लिख लें फिर वो किसी वजन की वजह से वैसा हो रहा होगा तो उस वजन को याद कर लें ठीक है हमारा ठीक है सलमा आप आपका बहुत शुक्रिया सलमा जी मैम असल वालेकुमल जी मैम असल मैम मैंने सिर्फ ये पूछना था कि ये जो कुन और मगरबन है ये अः इसम जरफे मकाम और इसम जरफे जमात दोनों में आ रहा है ना तो वाकई इसके अंदर वक्त का भी इसमें पाया जाता है और यानी कि जगह का भी इसमें हमें मिलता है तो लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप कर दें ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए अपने हाथ में आप क्लियर कर दें कुरान अच्छा। में जब आप देखेंगी मैं आयत मैं लेके नहीं आ पाई लेके आना चाहिए था मुझे शायद ठीक है तो होगा मैं ग्रुप पे भेज दूंगी आपको कि कुरान में आप देखेंगे कि मशरकुन किसी किसी जगह पर ये वर्ड जब आया है तो सुबह शर का वक्त यानी सूरज के निकलने के वक्त के लिए भी मश्रक ही वर्ड आया उस उस सेंटेंस में जुमले से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये वक्त की बात हो रही है यहाँ पे ये सुबह के वक्त की बात हो रही है ठीक है इस वक्त मेरे पास कोई आयत सामने नहीं है तो मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ एक्जैक्टली आयत के जरिए लेकिन किसी आयत में मशरकुन का मीनिंग होगा सुबह के होने का वक्त सुबह के होने का वक्त मशरकुन और मगरबन सूरज के ग्ररूब होने का वक्त ये मशरकुन और मगरबुन में शर्क का वक्त और जगह और गर्ब गुब होने का वक्त और जगह दोनों ही मीनिंग पाया जाता है इसलिए हमने इसको मशरकुन को जरफ जमा में भी आप ये देख रही हैं और जरफ मका में भी देख रही हैं मशरक का फिर आ जाए मका पे आ जाए अगर कहा जा रहा है मशरकुन तो इसका मतलब हो जाएगा ईस्ट इस जगह पे क्या हो जाएगा ईस्ट मतलब कि पूर्व से सूरज निकल रहा है ना और यहाँ मग़रिबुन का क्या मतलब हो जाएगा वेस्ट का तो मैं आयात ताला आपको ढूंढ के भेजूंगी कुरान से कि मशरकुन कहाँ पे जरफ़ जमा मशरकुन मग़रिबुन इस्तेमाल हुआ है और कहाँ पे जरफ़ मका की तरह इस्तेमाल हुआ है ये यह यहाँ पे इसलिए बता दिया गया और मैंने देखा कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी आखिर में उन्होंने एक पॉइंट ये लिखा था लिख रखा था ये मैंने बता दिया आपको कि मफ इलुन के वजन में आने की वजह से ये होना तो चाहिए था जरफे मका ही ना यहाँ नहीं होना चाहिए था क्योंकि और जबकि ये देखें ये सारी चीजें अहम ये सारे वर्ड यहाँ पे आते हैं है ना ऐसा ये ऐसा फिक्स नहीं कर दिया गया किसी चीज को तो मफ इन मफ याद रखें कि ये मका के वजन है चले अब मैं आपको वो देती हूँ एक हिंट देती हूँ ये मका मीम से शुरू हो रहा है ना और म और मफ का वजन भी किससे शुरू हो रहा है मीम से शुरू हो रहा है तो जो ये दोनों वजन है ये मका के वजन है जमा के वजन नहीं है ठीक है तो देखें कितना आसान हो गया अब आप आपको याद रखना कि म और म मका के वजन है लेकिन ये दो अल्फाज मशरकन और मगरबन ये एक्सेप्शन की उस कैटेगरी में आप समझ लीजिए कि ये दो है ये है मका भी मका तो है ही लेकिन ये जमा में भी जाते हैं ठीक है क्लियर हो गया आपको या नहीं जी मैम बिल्कुल क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह लगा अगर देखें एक बार के समझ क्योंकि हो सकता है मेरे समझाने में ही कमी हो मैं पूछती हूं अगर एक बार में समझ में ना आए तो एकदम मेरे पास देखिए अभी भी दो तीन मिनट है तो बिल्कुल हया ना करें बिल्कुल शर्म ना करें कि मैंने एक बार पूछा समझ में नहीं आया दोबारा आपकी समझ में कमी नहीं हो सकती है मेरे समझाने में भी कमी हो सकती है तो बिल्कुल फ्री हो पूछ लिया करें दोबारा भी बस ये हम ये बता रहे ये जी बोले जी मैम मैम जो इसमें हाल पढ़ा है ना उसकी जो एग्जाम्पल है ना वो समझ में नहीं आई वो थोड़ी मुश्किल लगी है बाकी सब क्लियर है अलहमद इस की इसमें ये नहीं समझ में आई ये पेज बोले आपको ये पेज समझ में नहीं आए जी मैम जी मैम इसका जो एग्जाम्पल है ना ये मुझे तरह समझ नहीं आई नहीं इसमें हाल क्या होता है और ये जो हमने ये क्लियर है जी मैम जी मैम जो जी मैम ये क्लियर है लेकिन दी है ना वो नहीं दिया चले अच्छा किया आपने पूछ लिया क्योंकि मैंने ये तो आपको बताया और ये उस वक्त क्लास लेते वक्त ये पता नहीं किस तरह रह गया पहले इसको हम बता देते हैं कदीमा आया अलवलदु लड़का अब लड़का आया देखिए ये ये क्या है किसी लड़के क्या फेल कोई लड़का है जिसका कि कोई काम पता चल रहा है है ना और ये अल वलदु एक किस्म है ये कदीमा क्या है ये फेल है ये फेल है जो इंशाल्लाह ताला जल्दी हम शुरू करेंगे अल वलदु ये जुल हाल हुआ आपका ये क्या हुआ इस लड़के का आगे हाल पता चल रहा है तो ये अल वलदु क्या है हाल है और ये आप देख रही है अल के साथ आ रहा है और तो ये हाल हो गया और जाहि ये हंसता हुआ तो ये हंसता हुआ इसकी हालत को बयान कर रहा है ना हाल क्या है किसी इसम की हालत या कैफियत को बयान करने वाला इसम किसी दूसरे इसम वो दूसरा इसम क्या है जुलहाल है यहाँ पे क्या है अलवलदू है अलवलदू की कैफियत या हालत बयान कर रहा है कि वो लड़का कैसे आया हंसते हुए आया तो वाहिकन ये देख रही है आपकी मनसूब इसमें और नकिरा की हालत में है ये हो गया हाल और अल वलदु हो गया हाल क्लियर हो गया नाम मैं देख लू जी मैम सलमा सलमा बात कर रही हूँ क्लियर हो गया हो क्लियर इसी तरह से इसको भी मैम यानी कि जो अल हाल, अल वलदु जुल हाल और जाहिकन हाल जी हाँ ये इसमें हाल और इसमें हाल क्या होता है वो नकिरा होता है और मंसूब हालत में होता है नसब की हालत में होता है तो ये देखें राहिकन नकीरा है और ये मंसूब है और अल वलदु मारफा होता है दिख रहा है आपको यहाँ पे तो। वलम्मा रजा हमूसा इलाकों में ही यहाँ मूसा कैसे लौटे अपनी कौम की तरफ बताया जा रहा है तो ये मूसा जुलहाल है ये मार्फा है आपको कोई शक है ये नो मैम क्योंकि ये तो मबनी है ना इसमें और ये हमेशा मारिफा होते हैं हाँ नहीं नहीं मारिफा होते हैं हाँ, है ना नाम जो होते हैं तो मतलब ये इसमें अलम है ये नाम है ठीक है इसमें अलम होने की वजह से ये मारफा है तो ये इसकी देखिए यहाँ पे इसका ये दो हालत वो वो लौटे अब मूसा अलैहिस्सलाम की हालत का पता चल रहा है कि वो किस हाल में लौटे वो गुस्से से भरे हुए और असिफन अफसोस करते हुए अफसोस और गुस्से में भरे हुए वो लौटे तो ये दोनों लफ्स क्या है इसमें हाल है और मूसा हाल है तो ये मारफा है और ये क्या है नकिरा है हालत किसमें बताई जा रही है नकिरा में और दुल हाल, नस्ब की हालत में है तो यहाँ पे ये दोनों अल्फाज जो है दो दो हालते हैं दो अल्फाज हैं जो कि आपको बता रहे हैं